बड़ी खबर, स्वेटर के नाम पर मासूमों के साथ खिलवाड़ हुआ है। राजधानी लखनऊ से यह मामला सामने आया, जहां पर स्वेटर वितरण घोटाला मामला सामने आया। बेसिक स्कूल में बच्चों के स्वेटर वितरण में यह बड़ा घोटाला हुआ है। बेसिक स्कूल में स्वेटर की घटिया क्वालिटी देने का ये पूरा मामला है। घटिया क्वालिटी देने पर फर्म संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। 1,86,040 बच्चों को ये स्वेटर सप्लाई किया जाना था, लेकिन इसमें घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। घटिया क्वालिटी के ये स्वेटर वितरित किए गए हैं, जिसके बाद अब मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है संचालक के खिलाफ। प्रशासनिक जाँच के बाद ये पूरी जो धांधलेबाजी है वो उजागर हुई है। तो ये स्वेटर घोटाला सामने आया, बेसिक स्कूल में बच्चों के स्वेटर वितरण में ये घोटाला, और प्रशासनिक जांच के बाद इस पूरे मामले की धांधली खुली। तो बेसिक स्कूल में स्वेटर की घटिया क्वालिटी का ये पूरा मामला है। तो स्वेटर के नाम पर मासूमों के साथ मजाक किया गया। राजधानी लखनऊ से ये पूरा मामला सामने आया स्वेटर वितरण घोटाला का, जहां बेसिक स्कूल में बच्चों के स्वेटर वितरण में घोटाला किया गया है। बेसिक स्कूल में स्वेटर की घटिया क्वालिटी वाले स्वेटर देने का ये मामला सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, स्वेटर के नाम पर मासूमों के साथ मजाक। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से स्वेटर वितरण में घपला किया गया, धोखाधड़ी की गई और फर्जी आंकड़े शिक्षा विभाग को बताए गए, इसको देखते हुए बीएसए लखनऊ ने सख्त कदम उठाए हैं। और जो फर्म थी जिसको स्वेटर वितरण का ठेका दिया गया था, उसके संचालकों के खिलाफ वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 1,40,000 स्वेटर अभी बच्चों को नहीं मिले हैं, जबकि काफी लो टेम्परेचर के चलते लगातार स्कूल बंद करने पड़े हैं। और इस कड़ाके की सर्दी में बच्चों को, गरीब बच्चों को स्वेटर न मिलना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साथ ही सेहत के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है। और साथ ही सरकार की मंशा को ठेस पहुंचाई गई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और किसी भी लापरवाह अधिकारी को या किसी भी कार्यदायी संस्था को जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है उसको बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में एक बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से कि करीब 1,40,000 बच्चों को स्वेटर नहीं दिया गया है। इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कराया गया है, अब देखने वाली बात होगी कि ये खाना पूर्ति बनकर रह जाता है या फर्म के। बिल्कुल नरेंद्र, प्रशासनिक जांच के बाद ये पूरी धांधली जो है वो उजागर हुई है। मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आगे अब किस तरह से कार्रवाई रहनी है, अभी तक कोई पूछताछ यहाँ पर हो पाई है नरेंद्र प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? देखिए, बीएसए ने जो तहरीर दिया है उसमें साफ साफ आरोप लगाया है कि जो कार्यदायी संस्था ठेकेदार जिसको स्वेटर वितरण का जिम्मा दिया गया था उसने धोखाधड़ी की है, जो आंकड़े वितरण के दिए हैं वो गलत दिए हैं, इसकी जांच कराई जाए। अब एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके बाद जो और अगर पुलिस इसमें और जांच करने की और एजेंसियों से मांग करती है तो और एजेंसियां भी और टीमें भी गठित की जाएंगी और बच्चों इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, अभी देखना है कि सरकार अपने स्तर से इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि एक बड़ा मामला है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे प्रदेश सरकार की तरफ से भी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक बड़ी टीम बैठाई जाएगी, तभी इसमें बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो बच्चों को स्वेटर नहीं मिला है, उनके जो गुनाहगार हैं, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि एफआईआर तो अभी। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई ये फर्म संचालक का कुछ पता चल पाया है, उससे कोई पूछताछ अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो फर्म के संचालक हैं उनका उनके नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है, अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, आगे की कार्रवाई में वो जो संबंधित लोग हैं जिनका नाम इसमें दर्ज है उनसे पुलिस पूछताछ करेगी, फिर आगे की अपनी धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये एक मुकदमे तक का ही मामला नहीं, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है जो छात्रों के साथ, गरीब बच्चों के साथ किया गया है। तो अभी पुलिस अपनी प्राथमिक जांच करेगी, इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इस पर सरकार कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई इसमें होगी। नरेंद्र, ये बड़ा कदम पहले ही अगर उठा लिया जाए तो शायद इस तरह के मामले ना आए, क्योंकि एक तरफ सरकार बच्चों के हित में लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है, उनको बेहतर सुविधा यहाँ पर देने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये घोटाला, इस तरह का फर्जीवाड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। नरेंद्र,
बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हर साल होता है, हमेशा सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं और जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी लगातार दावा करते हैं और प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं, बयानबाजी भी करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, वितरण बड़ा ही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन हर बार ऐसा होता है कभी स्वेटर उनको नहीं मिल पाता है तो कभी उनके जूते और मोजे के साथ धोखाधड़ी होती है, घटिया दे दिया जाता है या वितरण नहीं हो पाता। तो अपने आप में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एक ये बड़ा घोटाला है जो साल दर साल चलता आ रहा है। इस पे सरकारें चाहे बदलती रही हों, अधिकारी चाहे बदलते रहे हों, लेकिन इस पे रोक नहीं लग पा रही है, एक चिंता का विषय है। जबकि योगी सरकार लगातार इस पे कार्रवाई करने की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ऐसे में ये साफ है कि अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं और फर्जी आंकड़े दे करके लूट घसोट में लगे हुए हैं। ये बेसिक शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला है कि सीएम के सख्त निर्देश के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी और ठेकेदार जो सरकार वितरण में शामिल है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।